Hello students, welcome to RV Virtual Classes. Today we will discuss about Ohm's Law. Ohm's Law, class 10th. Ohm's Law क्या है? Ohm का law है. Ohm ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी cell के अंदर voltage zero है, तो current भी क्या होगा? Zero. क्योंकि अगर वोल्टेज ही नहीं होंगे तो करंट ही नहीं होगा, और वोल्टेज नहीं होंगे तो करंट नहीं होगा. ठीक है, तो वोल्टेज नहीं होने से क्या होगा? कोई भी अप्लायंस चलेगा ही नहीं. अगर हम वोल्टेज अगर 6 वोल्ट कर दें तो उसमें थोड़ा करंट जाएगा, या 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, मतलब अगर हमने बढ़ाया तो उसमें करंट क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है, अगर हमने वोल्टेज घटाया तो क्या करंट होगा? घटेगा. तो उन्होंने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, जो है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट भी घटता है. इट मींस वोल्टेज जो है वो करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट. टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए बिल्कुल भी. तो ये बात सत्य है, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये बात बिल्कुल गलत है. समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तो वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब किसी भी वायर में अगर हम वोल्टेज देते हैं और उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसमें एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर कॉन्स्टेंट लगाएंगे, रेजिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, और ये क्या हो गया? करंट. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो हमने क्या लगाया? आर कॉन्स्टेंट. तो ये फॉर्मूला बन गया वीर, वी इज इक्वल टू आई आर. यही है बेटा क्या? ओम्स लॉ. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट तो बढ़ता है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, आर नीचे आ जाएगा, तो अगर जिस भी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो ये भी घटेगी. लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये बढ़ रही है तो ये घटेगी, और ये घट रही है तो ये बढ़ेगी. कैसे? जैसे मान लो रेजिस्टेंस अभी हमारा था 1 ओम. ठीक है, या रेजिस्टेंस आपने ले लिया आर. ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन आर. लेकिन अब दूसरी इक्वेशन में, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन में हमने ले लिया 2R, डबल ले लिया, तो दुगना लिया रेजिस्टेंस. हमने रेजिस्टेंस को क्या किया है? इंक्रीज. रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है. ठीक है, तो अब करंट पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं. I इज इक्वल टू वी अपॉन आर को क्या कर दिया? 2R. तो कहीं ना कहीं 1/2 हो गया वी अपॉन आर के. अभी V अपॉन R था करंट, लेकिन अब क्या हो गया? V अपॉन R का क्या? हाफ. तो करंट ये ज्यादा है या ये? ये ज्यादा है, क्योंकि ये V अपॉन R है और ये क्या है? V अपॉन का R का हाफ. ठीक है, तो हमने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज होगा. यहां रेजिस्टेंस को डबल किया है तो करंट जो है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तो करंट डिक्रीज बाय हाफ, आधा हो जाएगा करंट. अगर हम थर्ड टाइम्स करते हैं तो 1/3 हो जाएगा. फोर टाइम्स अगर रेजिस्टेंस को करते हैं, रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स करते हैं, तो करंट बिकम्स 1/4 टाइम्स. तो कम हो रहा है ना यहां, और यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही होता है. अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है. रेजिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से. ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी वायर में मिलती है. इसका नाम क्या होता है? ये क्या करती है? रोकती है फ्लो ऑफ करंट को, रोकती है. तो ये करती है अपोज. किसका? फ्लो ऑफ करंट का. करंट के फ्लो को क्या करती है? ये अपोज. अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो कौन है? रेजिस्टेंस. ये छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं. जैसे अगर हम बात करें सड़क पर जब बाइक चलाते हैं तो उस पर जो ब्रेकर होते हैं वो हमारी स्पीड को कम करते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वायर के अंदर स्पीड को कम करते हैं. किसकी? करंट की. और रोड पर जो ब्रेकर होते हैं वो किसकी करते हैं? हमारी. ठीक है,
अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी होगी कुछ, इसमें मीजर किया जाता है, तो ऐसा यूनिट जो है वो इसकी ओम है, इसका सिंबल ये है, ठीक है, इसको हम सिंबल का नाम होता है ओमेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की क्या है ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताएं तो वी अपॉन आई होती है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा वी अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट तो ओम होती है। अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगी बेटा बताओ, यहां वोल्ट और ये क्या होगा एम्पियर, तो ये हो गई वोल्ट पर एम्पियर। अगर आपसे ये कह दे डिफाइन डिफाइन ओम या डिफाइन वन ओम, तो क्या करोगे, ये रेजिस्टेंस वन ओम कब होगी, जब वन वोल्ट करंट किसी भी वायर से मूव, वन वोल्ट वोल्टेज होंगे और करंट कितना होगा वन एम्पियर, तो रेजिस्टेंस उस वायर की कितनी होगी वन ओम, ठीक है। इस तरीके से रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, निर्भर रहती है, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर, इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हैं चार फैक्टर जिन पर हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इन चार फैक्टर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ होता है लंबाई, जैसे अगर वायर, जैसे ये लेंथ L है, ठीक है, और इस वायर की जो लंबाई है वो 2L है, तो अगर रेजिस्टेंस, अगर लेंथ L है तो रेजिस्टेंस होगी R, और अगर लेंथ 2L है तो रेजिस्टेंस होगी 2R। इट मींस लेंथ बढ़ाने पर, लेंथ L से 2L करने पर रेजिस्टेंस 2R हो रही है, इट मींस जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, क्योंकि आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये एरिया है A और ये एरिया है 2A, ठीक है, तो यहां एरिया कम है और यहां एरिया ज्यादा है, तो यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो यहां एरिया R है तो रेजिस्टेंस A थी, लेकिन 2A एरिया करने पर रेजिस्टेंस R by 2 हो जाती है, मतलब एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाती है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो दो फैक्टर समझ में आए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और एरिया के कैसा, इनवर्सली, मतलब अगर एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। अब बात करते हैं नेचर की, तो नेचर पर किस तरीके से डिपेंड है, जैसे अगर आप सिल्वर का लेकर आ रहे हो तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, कम, अगर आप कॉपर का लेकर आ रहे हो तो रेजिस्टेंस उसकी थोड़ी और कम, ठीक है, तो सबसे जो रेजिस्टेंस कम होती है वो होती है सिल्वर की, फिर कॉपर की, और अगर आप लेकर आ रहे कोई भी प्लास्टिक तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट, वो क्या है, इंसुलेटर। तो नेचर पर भी डिपेंड करती है कि किस नेचर का सबस्टेंस है, अगर सिल्वर है तो बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है, और कॉपर है तो कंडक्टिंग तो होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा जितना सिल्वर है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सिल्वर को क्यों नहीं यूज करते, कॉपर को क्यों यूज करते हैं जबकि सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, तो सिल्वर को इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, लेकिन कॉपर इजीली अवेलेबल होता है और आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, और प्लास्टिक से तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती ही नहीं है, करंट पास होता ही नहीं है,
तो इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, इसीलिए तो करंट नहीं निकलता। और इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो सबसे कम होगी, तभी तो इसमें से करंट निकल जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के भी रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे किसी वायर में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर वो गर्म पड़ रहा है वायर, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और करंट फ्लो क्या हो रहा होगा, कम, क्योंकि जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो करंट क्या फ्लो हो रहा होगा, कम। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि जो रेजिस्टेंस है वो इन चार फैक्टर पर किस तरीके से डिपेंड करता है।